अपराधी किसी दूसरी दुनिया से नहीं आते, अपने आसपास ही होते हैं। बेटी घर कब आओगी? देखिए सुपर क्राइम टाइम, अपना ख्याल रखना। पाकिस्तान में फलते फूलते आतंकवाद पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। पाकिस्तान सरकार की निगरानी में तैयार होते हैं आतंकी और उनके आका। बरसों से आतंकियों को पालने पोसने में जुटी है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI। आतंक के इस खतरनाक खेल में धड़ल्ले से हो रहा है अमेरिकी पैसे का इस्तेमाल। अफगानिस्तान के सबसे बड़े जासूस ने किया है सनसनीखेज खुलासा। जो पैसा अमेरिका आतंकवाद से लड़ने के लिए पाकिस्तान को देता है, पाकिस्तान के हुक्मरान उसी पैसे से तैयार करते हैं खूंखार आतंकी। यही आतंकी ISI के अफसरों के इशारे पर करते हैं हमले। अफगान जासूस ने किया है दावा, ISI ही कराती है भारत और अफगानिस्तान में आतंकी हमले। इस जासूस ने दिए हैं ISI को बेनकाब करने वाले कई सबूत। अपने नापाक मंसूबों के लिए खुदा के नाम का भी गलत इस्तेमाल करती है ISI। अल्लाह, आर्मी और अमेरिका के नाम पर पाकिस्तान में हो रही है आतंक की खेती। देखिए पाकिस्तानी आतंक का 3A फॉर्मूला। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी। खबरों में खास में आज बात पाकिस्तान की। अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख रहमतुल्ला नबील का दावा है कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI मिलकर आतंकियों को पालती पोसती है। पाकिस्तानी फौज और ISI के खुफिया दस्तावेज जारी करते हुए नबील ने आरोप लगाया कि जो पैसे अमेरिका आतंकवाद से लड़ाई के नाम पर पाकिस्तान को देता है, उन्हीं पैसों का इस्तेमाल आतंकियों की ट्रेनिंग और हमले में किया जाता है। नबील के मुताबिक पाकिस्तान में मौजूद ज्यादातर मदरसों में इस्लाम के नाम पर आतंकवाद की पढ़ाई होती है। देखिए पाकिस्तान को बेनकाब करती ये खास रिपोर्ट। ये फॉर्मूले के दम पर दशकों से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है पाकिस्तान। 3A यानी अल्लाह, आर्मी और अमेरिका। पाकिस्तान पर यह सनसनीखेज आरोप लगाए हैं अफगानिस्तान के सबसे बड़े जासूस रहमतुल्ला नबील ने। नबील अफगान खुफिया एजेंसी राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशालय यानी NDS के पूर्व प्रमुख हैं। उनका दावा है कि पाकिस्तान में हजारों ऐसे मदरसे हैं जहां बच्चों को जिहाद के नाम पर आतंक की ट्रेनिंग दी जा रही है। पाकिस्तान के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त 1.5 लाख मदरसे हैं और इनमें से ज्यादातर में बच्चों को इस्लाम के नाम पर आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है। आतंकियों को बचाने, उन्हें पनाह देने का काम करती है पाकिस्तान की आर्मी। और आतंकियों की ट्रेनिंग और हमलों में जो पैसे खर्च होते हैं वो अमेरिका से मिलते हैं। तो स्पष्ट है कि इन दोनों टेररिज्म एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये पाकिस्तान की नीति है। और अगर ये दस्तावेज आप देखें तो अगर आप इसके बारे में सोचें तो ये भी स्पष्ट होगा कि पाकिस्तान आर्मी और ISI के एक हाथ इसमें हमेशा हुई है और होते रहेगी। जी हाँ, नबील के हर दावे में सच्चाई है। पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका सालों से पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के नाम पर लाखों करोड़ों डॉलर की मदद करता रहा है, लेकिन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी अमेरिकी मदद का इस्तेमाल आतंकियों को खत्म करने के लिए नहीं बल्कि उन्हें पालने और आतंकी हमले कराने में करती है। रहमतुल्ला नबील ने पाकिस्तानी रक्षा और खुफिया एजेंसियों से जुड़े कई ऐसे दस्तावेज पेश किए हैं जिनसे साफ होता है कि पाकिस्तान आतंकवाद का खात्मा करने के बजाय उसे बढ़ाने में जुटा है। नबील का दावा है कि पाकिस्तानी फौज सिर्फ अमेरिका और दुनिया को झांसा देने के लिए आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई का दिखावा करती है। नबील ने दस्तावेज पेश कर दावा किया है कि अमेरिका जिस हक्कानी नेटवर्क को खत्म करने के लिए पाकिस्तान को पैसे देता है, उसी हक्कानी नेटवर्क के आतंकियों को ISI के अफसर बचाते हैं। बंद है पाकिस्तानी ISI और ये टेररिस्ट इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स के बीच में ये संबंध गहरे संबंध है और ये संबंध आसानी से टूटने वाले संबंध नहीं है। रहमतुल्ला नबील ने पाक फौज की तरफ से जारी 6 खुफिया दस्तावेज जारी किए हैं।
ये गोपनीय चिट्ठी 18 मार्च 2015 को पेशावर में मिलिट्री इंटेलिजेंस 422 के अफसर रब्बानी ने रावलपिंडी में मिलिट्री इंटेलिजेंस 22 के प्रमुख कर्नल शमीम खालिद को भेजी थी। इस दौरान आतंकियों के खिलाफ पाकिस्तानी फौज का ऑपरेशन जरबे अज़्ब चल रहा था। चिट्ठी में हक्कानी नेटवर्क के आतंकियों अता मोहम्मद और हाफिज लुकमानुल्ला को पूरी सुरक्षा के साथ नॉर्थ वजीरिस्तान के मीनर शाह में दाता खलील मिलिट्री कैंप तक पहुंचाने का आदेश दिया गया है। दूसरा दस्तावेज 16 मार्च 2015 का है, जिसे रावलपिंडी स्थित आर्मी हेडक्वार्टर से नौशेरा सेक्टर के इंचार्ज लेफ्टिनेंट कर्नल अहमद शेर को भेजा गया था। इस खत में नौशेरा, मर्दान और सवाबी जिलों में मौजूद हक्कानी नेटवर्क से जुड़े लोगों और कमांडरों की पूरी जानकारी मांगी गई है। साथ ही साथ हक्कानी नेटवर्क से जुड़े सभी लोगों को पूरी सुरक्षा के साथ टोची, मीर अली और मीनर शाह पहुंचाने का हुक्म दिया गया था। ये भी हिदायत दी गई थी कि हक्कानी नेटवर्क से जुड़े लोगों की जान को खतरा है, इसलिए इनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाए। डिमांड ऑफ स्टेट स्पॉन्सरिंग टेररिज्म येट सेइंग दैट दिस टेररिज्म इज टेकिंग प्लेस बाय द नॉन स्टेट एक्टर्स। पाकिस्तान हैज बीन इन द सेंटर फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम इफ वन कैन रिकॉल। तीसरा दस्तावेज 5 अगस्त 2014 का है, पेशावर स्थित मिलिट्री इंटेलिजेंस 422 ने ये चिट्ठी मिलिट्री हेडक्वार्टर रावलपिंडी को भेजी थी। इसमें दो तालिबानी नेताओं हाफिज गुल बहादुर और मौलवी हमदुल्ली के साथ बैठक का जिक्र किया गया है। साथ ही ये भी लिखा गया है कि आर्मी के ऑपरेशन जरबे अज़्ब के चलते इन्हें मीनर शाह से सुरक्षित निकाल लिया गया है और अब इनके लिए पेशावर के हैबताबाद इलाके में किराए के सुरक्षित ठिकाने की तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि अमेरिका के बढ़ते दबाव के बाद पाकिस्तान ने अपनी जमीन पर मौजूद आतंकी संगठनों का खात्मा करने के लिए ऑपरेशन जरबे अज़्ब शुरू किया था। अमेरिका चाहता था कि पाकिस्तानी फौज हक्कानी नेटवर्क का सफाया कर दे। इसके लिए अमेरिकी सरकार ने पाकिस्तान को लाखों डॉलर की मदद भी दी थी, लेकिन रहमतुल्ला नबील का ये आरोप है कि अमेरिका से मिले पैसे का इस्तेमाल हक्कानी नेटवर्क के खात्मे के बजाय तालिबान आतंकियों की मदद करने में खर्च किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, आईबीएन 7। पाकिस्तान आतंकियों को न सिर्फ ट्रेनिंग और हथियार देता है बल्कि अपने पड़ोसी मुल्कों में हमले भी करवाता है। आईएसआई बकायदा इसके लिए आतंकियों को मोटी रकम देती है और अगर आतंकी हमले के दौरान कोई आतंकी मारा जाता है तो उसके परिवार वालों को इनाम के तौर पर तगड़ा पैसा भी दिया जाता है। रहमतुल्ला नबील के दस्तावेज एक के बाद एक पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को बेनकाब कर रहे हैं। पाकिस्तान फौज और आईएसआई न सिर्फ आतंकियों को बचाने का काम करती है बल्कि उनका इस्तेमाल पड़ोसी मुल्कों में आतंकी हमले के लिए भी करती है। नबील की तरफ से जारी दस्तावेजों के मुताबिक आईएसआई आतंकी हमले में शामिल आतंकियों को जमकर पैसे भी देती है। अब जरा 18 जुलाई 2014 को जारी इस दस्तावेज को देखिए। इस्लामाबाद स्थित आईएसआई हेडक्वार्टर ने चिट्ठी मिलिट्री इंटेलिजेंस 422 को लिखी। इस चिट्ठी में मिलिट्री इंटेलिजेंस 422 को काबुल एयरपोर्ट पर सफल हमले के लिए शुक्रिया कहा गया। साथ ही हमले में शामिल चार लोगों को 25-25 लाख रुपए देने को कहा गया। चारों के नाम हैं हाजी खलील हक्कानी, हाजी हाकिम वोलुस्वाल, कारी जाहिर शाह और मौलवी हाकिम। साथ ही साथ इस हमले में मारे गए आतंकी के घर वालों को बतौर इनाम 15 लाख रुपए देने की बात भी कही गई। चिट्ठी में ये भी लिखा गया है कि अफगानिस्तान की सीमा और आदिवासी इलाकों के मंत्रालय पर होने वाले आतंकी हमले की जानकारी हक्कानी नेटवर्क के लोगों के साथ भी साझा की जाए। इस चिट्ठी से साफ है कि पाकिस्तान सरकार कैसे आतंकियों को तैयार करती है, आतंकी हमलों में उनका इस्तेमाल करती है। लेकिन अब जो खुलासा होने वाला है उसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। सारी दुनिया को और भी आपस में तालमेल करके और बातचीत करके कोऑर्डिनेट करके सही कुछ योजना बनाए कि ये टेररिस्ट जो समुदाय है इनको किस तरह हटाया जाए, किस तरह खत्म किया जाए और उनकी जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग है यानी यहाँ सबको आर्थिक सहायता मिलता है उसे बिल्कुल रोक देना। 6 अप्रैल 2015 के इस दस्तावेज में आईएसआई के पेशावर और इस्लामाबाद ऑफिस के दो अफसरों के बीच की बातचीत दर्ज है। पेशावर में आईएसआई के मेजर शहाब वासी ने लिखा है कि तोरी अली और उनके साथियों को 20 लाख रुपए दे दिए हैं, साथ ही उन्हें हथियार और विस्फोटक भी दे दिए गए हैं। तोरी अली ग्रुप के 23 लोगों की मिलिट्री ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है।
तोरी अली के साथ आज की बैठक में उन्हें हेरात, काबुल और परा इलाकों के शिया नेताओं को अगवा करने और कत्ल करने का आदेश दिया गया है। ग्लोबल टेररिज्म थ्रू अ कॉन्शियस पॉलिसी फॉलोड बाय द पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ नर्चरिंग, ट्रेनिंग, फंडिंग एंड स्पॉन्सरिंग टेररिस्ट। आईएसआई के दो अफसरों के बीच हुई ये बातचीत इस बात का बड़ा सबूत है कि आईएसआई पाकिस्तान के कई इलाकों में आतंकियों के लिए ट्रेनिंग कैंप चलाती है। लश्कर का आका हाफिज सईद हो या जैश मोहम्मद का आका मसूद अजहर, पाकिस्तान में बैठे हर आतंकी को सरकार की सरपरस्ती हासिल है। अफगान एनडीएस के पूर्व प्रमुख रहमतुल्ला नबील ने भी लश्कर के आका हाफिज सईद पर पाकिस्तान सरकार की मेहरबानी पर सवाल उठाए हैं। लश्कर ए तैयबा के आतंकी नांगरार में आईएसआईएस के बैनर तले अफगान फौज पर हमले कर रहे हैं। अमेरिका ने हाफिज सईद पर $1 करोड़ का इनाम रखा है। पाकिस्तान ना तो सिराज हक्कानी को गिरफ्तार कर पा रहा है और ना ही हाफिज सईद को। अफगानिस्तान के सबसे बड़े जासूस ने एक बार फिर पाकिस्तान की पोल पूरी दुनिया के सामने खोल दी है, लेकिन सवाल ये कि क्या अमेरिका की आंख अब खुलेगी या वो अब भी पाकिस्तान के झूठ पर आंख मूंद कर भरोसा करता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आईबीएन 7। खबरों में खास में आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के उस झूठ की जिसकी पोल अफगानिस्तान के सबसे बड़े जासूस ने खोल दी है। पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए आतंक का वो नासूर बन चुका है जिसका फिलहाल कोई इलाज नहीं। हिंदुस्तान के लिए पाकिस्तान की नफरत जग जाहिर है। कश्मीर घाटी में एक आतंकी के मारे जाने पर पहले तो आतंकी संगठनों ने लोगों को उकसाया और अब पाकिस्तान चीख चीख कर कह रहा है कि भारत कश्मीरी आवाम की आवाज को दबा रहा है। भारत ने पाकिस्तान के इस रवैये का मुंह तोड़ जवाब दिया है। कश्मीर घाटी में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद से ही पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। पाकिस्तान की सरकार हो या वहां सक्रिय आतंकी संगठन के आका, हर कोई आतंकी बुरहान की मौत पर घड़ियाली आंसू बहा रहा है। दरअसल पाकिस्तान सरकार एक आतंकी की मौत के बहाने कश्मीर मुद्दे को तूल देने में जुटी है। कश्मीर के मुद्दे पर शुक्रवार को नवाज शरीफ सरकार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई। इस दौरान नवाज शरीफ ने कहा, कश्मीर में भारतीय फौज की ज्यादती के विरोध में पाकिस्तान 19 जुलाई को काले दिन के तौर पर मनाएगा। अपने हक की लड़ाई लड़ रही कश्मीरी आवाम को पाकिस्तान नैतिक, राजनीतिक और कूटनीतिक समर्थन देना जारी रखेगा। पाकिस्तान ने यह भी कहा कि वो कश्मीर में मारे गए 40 लोगों की मौत के मुद्दे को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में उठाएगा। एक आतंकी की मौत को लेकर पाकिस्तान का ये रुख आतंकवाद के मुद्दे पर उसकी असलियत दर्शाता है। भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार के बयान पर कड़ा एतराज जताया है। जम्मू और कश्मीर में मौजूदा परिस्थिति पर पाकिस्तान मंत्रिमंडल द्वारा किए गए निर्णयों को पूर्णतः एवं स्पष्ट शब्दों में खारिज करता है। पाकिस्तान द्वारा हमारे आंतरिक मामलों में लगातार हस्तक्षेप करने की कोशिशों को हम नकारते हैं और हम इस बात को दोहराते हैं कि पाकिस्तान अथवा किसी भी अन्य बाहरी पक्ष का इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। बुधवार को पाकिस्तान ने आतंकी बुरहान वानी के बहाने कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में भी उठाने की कोशिश की थी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने अपने करारे जवाब से पाकिस्तान को चित कर दिया। भारत कश्मीर में सेना के बल पर कश्मीरियों की आवाज दबा रहा है, लेकिन फिर भी कश्मीरी अपने संघर्ष की लड़ाई को जारी रखे हुए हैं। वहां बेगुनाह कश्मीरियों को मारा जा रहा है और भारत की सेना ताकत के बल पर कश्मीरियों की आजादी के अधिकार को कुचल रही है। Regrettably, earlier today, we have seen an attempt at misuse of this UN platform. The attempt came from Pakistan, a country that covets the territory of others, a country that uses terrorism as state policy towards that misguided end, a country that extols the virtues of terrorists and provides sanctuary to UN-listed terrorists, and a country that masquerades its efforts as support for human rights and self-determination. Pakistani fauj aur khufiya agency ISI lagatar aatankwad ko badhawa dene mein juti hai. तमाम आतंकी वारदातों के बाद मिले सबूतों और अफगान जासूस के ताजा खुलासे के बाद अब वक्त आ गया है कि संयुक्त राष्ट्र पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित करे। प्रणय उपाध्याय, IBN 7, दिल्ली।